हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है ओट शुगर फ्री खीर, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कर लेते हैं हम फ्लेम को ऑन, और रख देती हूँ इस पे मैं अपना पैन। ओट्स को ट्रांसफ़र करूँगी मैं इस पैन के ऊपर और इसे 2 मिनट तक मैं रोस्ट करूँगी, जब तक हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। कलर चेंज होने लग गया है मेरे ओट्स का। अब फ्लेम को मैं कर लेती हूँ बंद और ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक मिक्सर जार में। पाउडर रेडी हो गया है ओट्स का, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ बॉल में। अब इसको कर लेती हूँ मैं साइड में। बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और मैंने ले लिए हैं खजूर, किशमिश, बादाम, काजू और कोकोनट। इन सारी चीज़ों को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। खजूर के बीज निकाल दिए हैं मैंने, कोकोनट कट कर लिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ खजूर किशमिश को मिक्सर जार में। इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं दूध, ताकि इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बन जाए। तो रेडी हो गया है मेरा किशमिश और खजूर का पेस्ट। अब इसको कर लेती हूँ साइड में। फिर से चढ़ाती हूँ मैं एक पैन। पैन पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा देसी घी। मेल्ट हो गया है घी, इसमें डाल दूँगी मैं एक छोटी हरी इलायची। साथ ही मैं डाल देती हूँ कटे हुए आलमंड्स। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 कप भर करके दूध। और दूध अभी हमारा ठंडा है, और ठंडे दूध में ही मैं डाल दूँगी ओट्स पाउडर जो हमने अभी बना के रखा था। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स हो गया है, अब मैं इसे एटलीस्ट 8 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये बिल्कुल परफेक्टली थिक नहीं हो जाए बीच में चलाते हुए। ये थिक हो गया है, अब मैं इस मोमेंट पे इसमें डाल दूंगी खजूर और किशमिश का पेस्ट। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। परफेक्टली थिक हो गया है, सेम यही कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। और अब मैं डाल दूंगी इसमें कोकोनट। रेडी हो गई है मेरी ओट्स की खीर, अब मैं इसको बॉल में निकाल लेती हूँ। ऊपर से मैं कोकोनट और आलमंड की गार्निशिंग करूंगी। लीजिए, बस रेडी है मेरी हेल्दी टेस्टी शुगर फ्री ओट्स खीर। इफ़ यू लाइक द रेसिपी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।